हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा आपके आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ होगा, इसका टारगेट होगा कि आप लोग मैथ में 30 में 30 स्कोर करो। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है मैथ में 30 में 30 स्कोर करना। अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप 30 में 30 स्कोर कर पाओगे। अगर एटलीस्ट 30 नहीं भी कर पाए तो 28 से 29 तो आप इजिली स्कोर कर पाओगे। बट शर्त ये होना चाहिए कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इस सीरीज में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो आप लोग जितने भी लोग इससे पहले मैंने जितने भी सीरीज आपको कराया था प्रीवियस ईयर, कोई भी सीरीज, अगर आपने हर सीरीज को फॉलो किया तो इस सीरीज को भी आप लोग जरूर से फॉलो करना, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल आज सीरीज का मेरा पहला वीडियो होगा तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। जल्दी ले आप लोग सारे क्वेश्चन को ट्राई करो, और चूंकि मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को पॉज फॉरवर्ड करके सारे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका समय बचे। और चूंकि आपको पता होना चाहिए इस समय आपको अपना टाइम को अच्छे जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ तहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से ट्राई करो। और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वर्ग और आयत की परिधि बराबर है यदि उनके क्षेत्रफल क्रमश ए मीटर स्क्वायर बी मीटर स्क्वायर हो, तो सही कथन बताओ क्या होगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी स्क्वायर या फिर और कोई भी रेक्टेंगल अगर दोनों का पेरीमीटर सेम है, यानी अगर इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर अगर दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर दो कोई स्क्वायर और कोई रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल है तो आपको बताना है कि उनके एरिया किस तरीके से होंगे, यानी उनके एरिया कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा आपको कंपेयर करके बताना है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, आपका जो स्क्वायर का एरिया होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किसके, रेक्टेंगल के एरिया से। और यहाँ पर मेरे को दे रखा था कि स्क्वायर का एरिया आपका क्या है ए मीटर स्क्वायर, तो सिंपली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। बताओ, समझ आया। देखो, मैं इसको आपको बना के भी बता सकता हूँ, और ये हमेशा आपको बस पता होना चाहिए पेरीमीटर इक्वल है तो स्क्वायर का एरिया ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किसके, रेक्टेंगल के एरिया से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर रेक्टेंगल आपका स्क्वायर हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं आपको मैथ ही बना के बताऊँ तो देखो, आप जानते हो पेरीमीटर मेरा क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर आपका 4a हो गया, क्योंकि साइड अभी हम लोगों ने कुछ नहीं माना है। यही चीज़ आपका इसके इक्वल है कि नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखा है। अब यहाँ पर सिंपली मैं कोई वैल्यू मान लेता हूँ, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा स्क्वायर का साइड 4 होगा, तो 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16 हो गया। और यहाँ पर अब देखो, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर मेरा बराबर है तो 4 × 4 16 हो गया, 16 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ यानी 2 आ गया, तो 16 मतलब 8 हो गया, यानी लेंथ ब्रेथ आपका हमेशा 8 ही होना चाहिए जिससे मेरा पेरीमीटर दोनों का बराबर हो। तो एक तो वैल्यू लेंथ हम 6 रखेंगे तो ब्रेथ आपको 2 रखना पड़ेगा, या फिर आप बोलोगे मैं 7 और 1 भी तो रख सकता हूँ, तो जी हाँ आप 7 और 1 भी रख सकते हो, बट ध्यान दीजिएगा पेरीमीटर दोनों का इक्वल करना है, किसी कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो, ऐसा नहीं है मैंने 4 माना तो 4 है, आप ऐसा वैल्यू मानो जो दोनों को इक्वल करके चले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 2 8 8 2 16, 7 1 8 8 2 16, और 16 16 इक्वल हो गया। अब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यानी अब आपको समझ आ चुका है, यानी दोनों का पेरीमीटर सेम हो गया, अब एरिया निकाल लो। तो अगर साइड अगर ए है, यानी ए स्क्वायर, यानी साइड हम लोगों ने 4 माना, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया क्या हो जाता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 6 × 2 12 हो जाएगा। अब आप ये अगर बोलोगे 7 × 1 तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब दिमाग में आपका आता होगा कि हम लोगों ने लेंथ ब्रेथ को इक्वल क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 6 और 2 8 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 4 और 4 भी आप मान सकते थे, बट यही चीज़ तो मैंने आपको बताया, अगर 4 और 4 लेंथ और ब्रेथ को 4 और 4 मान लोगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वो रेक्टेंगल कैसे कहलाएगा। बात समझ रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे स्क्वायर आपके रेक्टेंगल हो सकते हैं बट सारे रेक्टेंगल आपके स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, क्लियर। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हो 16 आपका ग्रेटर देन है किसके, 12 से भी ग्रेटर देन है और 7 से भी ग्रेटर देन है, यानी हमेशा आपका एरिया का मतलब आपका स्क्वायर का एरिया ग्रेटर देन होगा रेक्टेंगल के एरिया से, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी,
यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उस घड़ी में रुपए 125 रुपए कम में मिलती, तो घड़ी का अंकित मूल्य बताओ क्या होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि अंकित मूल्य 100 है, पहले तो वो आपका 90 रुपये में खरीदा, अब बोल रहा है कि अगर वो 80 रुपये में खरीदता तो उसको 125 रुपये कम में मिलता। तो सिंपली इसका मतलब यहाँ पर कितने रुपये का आपको कम दिख रहा है, 10 रुपये का कम दिख रहा है। यही 10 125 के बराबर है, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 100 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1250, यानी एमआरपी हो गया 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन को ट्राई करना, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, मगर कंफ्यूज होने वाला की बात नहीं है, ठीक है, ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला था, कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियो, यानी आपको इसका कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो आपको बताना है इन रेशियो का। क्या दे रखा, एक्स इज टू वाई जेड, वाई इज टू जेड एक्स और जेड इज टू एक्स वाई। तो यहाँ पर तीन रेशियो है, आपको बताना है इसका कंपाउंड रेशियो का इनवर्स रेशियो। तो सबसे पहले देखो देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका ये होगा, ठीक है, ये इस तरीका से होगा, ये आपका यहाँ पर कॉमा होगा, ठीक है, तीन रेशियो अलग अलग है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले इन्वर्स रेशियो किसको बोलते हैं, इन्वर्स रेशियो और कंपाउंड रेशियो। तो इन्वर्स रेशियो सिंपली, अगर कोई नंबर एक्स है तो इसका इन्वर्स रेशियो आप जानते हो 1/x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा मेरा 1 होना चाहिए, आप जानते हो ना, यानी इस एक्स का इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्लियर, ये तो सभी को पता है इन्वर्स रेशियो किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं मिक्स रेशियो। कंपाउंड रेशियो हम लोग सभी जितने भी रेशियो, दो से ज्यादा रेशियो होंगे उनका ही हम लोग कंपाउंड रेशियो निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए इज टू बी हो गया यहाँ पर, एंड आपका सी इज टू डी हो गया, या फिर जितने भी दो या दो से ज्यादा, इसका कंपाउंड रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यही हो गया ना, यानी आपका प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट ए इंटू सी इंटू बी इंटू डी, यही करते हैं, यही हो गया मेरा कंपाउंड रेशियो। तो यहाँ पर भी बस आप निकाल लो कंपाउंड रेशियो के बाद, फिर इन्वर्स रेशियो निकाल लेना। क्लियर, तो बस मैं इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो एक्स इज टू वाई जेड हो गया, यहाँ पर वाई इज टू जेड एक्स हो गया, यहाँ पर जेड इज टू एक्स वाई हो गया। तो यहाँ पर मैं पहले क्या कर रहा हूँ, कंपाउंड रेशियो निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में एक्स वाई जेड हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो एक एक बार तो कट जाएगा, यानी क्या आ गया, 1/xyz आ गया। अब ये आ गया मेरा कंपाउंड रेशियो, अब इसी का निकाल दो इनवर्स रेशियो, तो इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड बाई 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इज टू 1, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोलो क्लियर है, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया ताकि सभी लोगों को समझ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, यदि वो उसे 950 में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत का हानि होगा। तो 4% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 104, ठीक है, क्योंकि 100% अगर मैं मार्क प्राइस मान के चलता हूँ तो आपका 4% का लाभ हो रहा है, यानी कितना का, 104। तो 104 रुपये किसके बराबर है, 1040 के बराबर है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। अब आपका मार्क प्राइस मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा उस टेप रिकॉर्डर का, 1000 रुपये हो जाएगा। अब 1000 का सामान अगर 950 रुपये में बिक रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है बताओ, 50 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने में, 1000 में, यानी 5% का लॉस होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, यानी नेट चेंजेस बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, मतलब बनेंगे, आप किसके शिफ्ट में बनेंगे वो आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट या तो नेट चेंजेस का फॉर्मूला लगा लो, या तो फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। 10% मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, यानी आपका साइड 10 से 11 हो गया। तो अब 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, यानी साइड आपका 10 से 11 हो गया, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 121 हो जाएगा। तो कितने का चेंजेस दिख रहा है, 21% का चेंजेस दिख रहा है कि नहीं, 100 में से, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, और वरना इसका एक डायरेक्ट से नेट चेंजेस का भी फॉर्मूला होता है, जहां पर कुछ भी चीज बढ़े या घटे, क्या नेट चेंजेस हो रहा है, तो वो हम लोग क्या फॉर्मूला से निकालते हैं, a+b+- कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो बढ़े तो बढ़े और घटे तो घटे, यानी अगर कोई चीज बढ़ेगा तो पॉजिटिव साइन और जो घटेगा तो माइनस का साइन, a इंटू बी, यही जिसको हम लोग सक्सेसिव भी बोलते हैं। तो ये नेट चेंजेस का फॉर्मूला हो गया।
तो यहाँ पर भी आपका दोनों जगह बढ़ रहा था, तो यानी क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10/100, तो क्या हो जाएगा 1, यानी 21%। क्लियर? और घटे तो माइनस का साइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिनों की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है, बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करता है। चलो ट्राई करो, अच्छा अर्थमेटिक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला सिंपली कि प्रत्येक रविवार को कोई जिन है वो 3 मील आपका जॉगिंग करता है, यानी दौड़ता है, यानी हर संडे को वो 3 मील जॉगिंग करता है। अब आगे क्या बोल रहा है कि सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिनों की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। मतलब समझ रहे हो, यानी आपको पता है जैसे संडे मंडे, ये हो गया संडे, मैं समझा देता हूँ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे और ये सैटरडे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि जो संडे को दौड़ता है वो 3 मील दौड़ता है, 3 मील जॉगिंग करता है। अब बचे हुए जो सप्ताह के दिन होते हैं उसमें क्या बोला है कि हर दिन वो एक एक मील आपका ज़्यादा वो जॉगिंग करता है। अब बस वही बताना है कि 2 सप्ताह में वो टोटल कितना जॉगिंग करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो, अगर संडे को वो 3 कर रहा है तो मंडे को कितना करेगा, 4 करेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही ना हिंट दे रखा था कि वो हर दिन आपका अब पिछले दिनों का अपेक्षा 1 मील ज़्यादा कर रहा है, यानी ये 4 हो गया, यहाँ 5 करेगा जॉगिंग, यहाँ 6 करेगा, यहाँ 7 करेगा, यहाँ 8 करेगा, ये 9 करेगा, खत्म। यानी 1 सप्ताह में वो उतना मील जॉगिंग करेगा। तो आपसे 2 सप्ताह का पूछा है, अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ या फिर वर्बली आप ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 7, 7 × 5 = 12, 12 × 6 = 18, 18 × 7 = 25 हो गया, 9 × 8 = 17 हो गया, यानी कितना हो गया, 42 हो गया। यानी 1 हफ्ता में 42 मील जॉगिंग करता है, यानी 2 हफ्ता में कितना हो जाएगा, 42 × 2 यानी 84। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में अंकित है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बताओ। यानी क्या बोला है कि कोई एक सर्कल है और सर्कल के अंदर में एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल। अब क्या बोला था, रेक्टेंगल विथ वन साइड ऑफ लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, यानी मान लो कि कोई भी आपका रेक्टेंगल है जिसका कोई भी एक साइड 4 है, यानी ये 4 हो गया। अब बोला क्या, उसके अंदर में आपका, ठीक है, इंस्क्राइब इन अ सर्कल। अब क्या बोल रहा है कि उसका डायमीटर, यानी उस सर्कल का डायमीटर भी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आप सिंपली समझ सकते हो, यानी ये वाला चीज आपको दे रखा है 5, डायमीटर दे रखा है 5, आपसे उस रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है। अब आप जानते हो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब आप देख रहे हो ये क्या हो गया, 5 है, तो आपको ये ब्रेथ निकालना है। अब ध्यान से देखोगे, ये 5 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा पाइथागोरस थ्योरम से, आपको निकालने का भी जरूरत नहीं है। या फिर 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, यानी आपको पता चल गया जो मेरा ब्रेथ होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पर आपसे एरिया पूछा था, यानी 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए, बताओ कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 14 रन हो जाएगा। आप जान रहे हो कि 11 सदस्यों का क्रिकेट टीम ने औसत रन 23 बनाया था, तो औसत रन अगर 23 बनाया था तो आपका टोटल रन कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 5 = 2, 253 हो जाएगा। अब उसमें से पहले ही बोल रखा है कि पहला खिलाड़ी के द्वारा 113 रन बनाया गया, तो 113 रन को खत्म कर दो, यानी आपका कितना हो जाएगा, 140। अब बचे लोगों का आपसे औसत पूछ रहा, तो 140 रन हो गए और टोटल कितने हो गए प्लेयर, अब 10 प्लेयर हो गए, तो 10 से खत्म हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 रन। क्लियर? क्योंकि एक प्लेयर तो हट जाएगा, उसका रन को हटा के आपसे औसत पूछा था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर क्या बोला है कि किसी समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या और उसके अंतरित्रिज्या में क्या अनुपात होगा, बताओ। चलो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, देखो ये सब छोटा छोटा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, आप मेंसुरेशन का भी बोल सकते हो, जिसमें भी बोलो, यहाँ से भी कुछ कुछ आपके मैथ बन जाते हैं, न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, द रेशियो आपसे क्या पूछा था, पूछा था द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस और इन रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहले देखो सर्कम रेडियस, ठीक है, इक्विलैटरल मतलब कि कोई एक सर्कल है, सर्कल के अंदर में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है।
अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया, मतलब सॉरी, इस ट्रायंगल का अगर मैं साइड को ए मान लूं तो इसका रेडियस क्या होता है? फॉर्मूला ये मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बाई रूट थ्री हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब उसी तरीका से अब यहाँ पर कोई एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके अंदर में सर्कल है, और इसका भी मैं साइड को अगर मैं ए मान लूँ, ठीक है, इसका भी साइड को अगर मैं ए मान लूँ तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यानी इन रेडियस क्या हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू, या फिर आप कैपिटल आर ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर मैंने ले रखा था, तो कैपिटल आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बाई टू रूट थ्री हो जाएगा। बस अब आपके इसी का तो रेशियो पूछा है, यानी सरकम रेडियस, सरकम रेडियस क्या हो जाएगा, ए बाई रूट थ्री हो जाएगा, और इन रेडियस ए बाई टू रूट थ्री हो जाएगा। रूट थ्री तो रूट थ्री कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये चीज़ इतना करने का जरूरत नहीं था, ये चीज़ मैंने आपको बताया ताकि आप लोगों को फॉर्मूला बस याद हो जाए, और भूल गए थे तो रिमाइंड आपके आज हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये है, उसी राशि पर दोगुना समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर साधारण ब्याज कितना होगा, बताओ। अब आपको दे रखा है रेट अगर मेरा 10% है और समय आपको दे रखा है 2 साल, तो आप मुझे बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10 + 10 और 1, यानी 21%, यानी 21% का सिंपली आपको वैल्यू दे रखा है, कितना, 525 दे रखा है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि उसी राशि पर, यानी प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, उसी राशि पर दोगुना समय, यानी समय अब 2 से क्या हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, यानी समय हो गया 4 साल, और रेट क्या बोल दिया, आधा, यानी रेट हो गया आपका क्या, 5 हो गया, यानी रेट हो गया 5। तो अब आपसे पूछा था साधारण ब्याज, तो देखो ना, 4 साल के लिए 5 का रेट परसेंट लगेगा, तो साधारण ब्याज में क्या हो जाता है, 5 × 4, यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। तो सिंपली आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था 20% का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो 21% काट देंगे कितने बार में, 25 बार में कट जा रहा है, तो 25, 1% का वैल्यू 25 हो गया, तो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 × 20, यानी 500 हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में देखो, जैसा क्वेश्चन होता है वैसा हम लोगों को डील करना होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार फॉर्मूला ही लगा के बनाए, जैसा जरूरत पड़े वहां वैसा यूज करते हैं। रेशियो का जरूरत पड़े तो रेशियो से डील करेंगे, जहां आपका परसेंटेज का जरूरत पड़े तो परसेंटेज में डील करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। आपको इसका मान बताना है, बताओ उसका मान क्या होगा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई लोग छोड़ देते हैं, यकीन मानिए लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई लोग छोड़ देते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, बट अब ध्यान से देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपको पता है sin 1 डिग्री, ठीक है, sin 1 डिग्री इंटू sin 2 डिग्री, ठीक है, sin 2 डिग्री है ये आपका, तो ये इसी तरीके से प्रोडक्ट होता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है देखो, sin 1, 2, 3, फिर यहाँ पर आपका लास्ट आपका गया है sin 270 तक, ठीक है, यानी sin 270 डिग्री तक का वैल्यू का प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो आप जान गए कि अगर sin 1 से स्टार्ट हुआ, sin 2 गया, तो बीच में आपका sin 180 भी तो आएगा ना, यानी sin 180 डिग्री भी तो बीच में आएगा ना प्रोडक्ट में। अब आप जानते हो sin 180 डिग्री क्या होता है, 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो वो क्या करता है, उसको क्या करता है, 0 कर देता है, तो बस आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, sin 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है, और 90 से पहले ही आपका वो रोक देता है, तो इस तरीके से भी कुछ कुछ बनते हैं, या फिर सीरीज में 1, 3 इस तरीके से भी चलते हैं, ठीक है, जनरली क्वेश्चन में आंसर 0 या तो 1, तो ये आपको देख लेना होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है, विक्रम वस्तुओं के क्रय मूल्य पर 6/1/4 की हानि पर बेचता है, लेकिन वह 8 ग्राम की बजाय 7 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहां पर क्या बोल रहा है, विक्रम कोई है, कोई सामान को 6/1/4% लॉस पर बेच रहा कॉस्ट प्राइस का, तो समझ रहे हो, 6/1/4, यानी इसका मतलब क्या होगा, 25/4% लॉस पर बेच रहा है, यानी अगर आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, 1/16 लॉस पर बेच रहा है, यानी कोई सामान अगर सीपी अगर 16 है तो वो उसको बेच कितने में रहा है, 15 में बेच रहा है, क्योंकि एक आपका एक का लॉस कर रहा है वो 16 में, यानी 16 का सामान वो 15 में बेच रहा है, बात समझ रहे हो, मैं इसको हटाता हूँ, यानी वो 16 का सामान 15 में बेच रहा है, मगर इसमें क्या कर रहा है, एक गड़बड़ी भी कर रहा है, वो 16 का सामान 15 में तो बेच रहा है जिससे उसको 6/1/4 का लॉस हो रहा है, मगर वो गड़बड़ी क्या कर रहा है, वो 7 ग्राम तोल रहा है बजाय 8 ग्राम के,
यानी वो 7 ग्राम यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ 8 ग्राम। यानी मैं कह सकता हूं यहां पर वो 7 ग्राम यूज कर रहा है और यहां पर वो 8 ग्राम बोल के 7 ग्राम का यूज कर रहा है। यानी आप कह सकते हो 15 गुना 8 120 और 16 गुना 7 112। यानी आप समझे, यानी 120 आपको देने का जगह वो 112 दे रहा है। तो कितने का फायदा वो कर रहा है, 8 का फायदा कर रहा है। तो बस यही तो आपसे पूछा था वो कितने का फायदा कर रहा क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, 8 से काट देंगे कितने बार में, 14 बार में, यानी 100/14 यानी 50/7 यानी क्या हो जाएगा 7.14% फ्रैक्शन में, यानी आपका क्या हो जाएगा 50/7। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सॉरी, ये तो प्रॉफिट हो रहा है ना, 7/1 प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट कर रहा है वो। क्लियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। बताओ थर्ड प्रोपोर्शनल, आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ये सारे आपको पता होना चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, अगर ये ए हो गया, अगर ये बी हो गया, तो सी इक्वल टू क्या होता है मेरा, बी स्क्वायर बाई ए होता है। ये आप जानते हो कि ना, डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसको लगा सकते हो, या फिर इसका अगर मैं बताऊं बेसिक तो क्या हो जाता है 189 और 63। अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शनल को अगर मैं एक्स मान लूं तो क्या हो जाएगा 63x, यानी 189/63 = 63/x, ये दोनों इक्वल होगा। तो बस ये चीज यहां चला गया, तो क्या हो जा रहा, यही तो था बी स्क्वायर बाई ए, तो यही तो मेरे को दे देगा ना। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पास, तो क्या हो जाएगा मेरा 63 × 63 / 189। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब एक छोटा सा अलजेब्रा क्वेश्चन है, इसका आंसर ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी लेवल की हो चुकी है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता पाओगे, ऑप्शन नंबर 3। अब कैसे हुआ ये चीज समझो, देखो आपको दे रखा है x + 1/x = √3। आप इसको जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, आपके दिमाग में जिस भी तरीके से ये सॉल्व हो रहा है बस वैसा सॉल्व करके आंसर बता दो। आपको x + 1/x का वैल्यू अगर √3 दे रखा है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर में लेके जाऊंगा तो आप जानते हो अलजेब्रा का बेसिक अलजेब्रा में x² + 1/x² = मेरा क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, मतलब 3 और 3 से 2 जाएगा 1। ये आप जानते हो, इतना कुछ जानते हो। अगर इसी को मैं अगर क्यूबिक कर दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समझना, अगर मैं इसी को क्यूबिक कर दूं या फिर क्यूबिक से आप कुछ भी करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 97 दिख गया तो मुझे 96 यानी x का 6 वैल्यू निकालना है। और ये मैं देख के बता सकता हूँ कि x = -1 होगा। कैसे होगा ये चीज मैं यहाँ पर केवल बताना चाह रहा हूँ, वरना ये देख के ही पता चल जा रहा है कि x = -1 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको क्यूबिक करूँ तो क्यूबिक करूंगा तो क्या हो जाएगा x6, यानी मैं डायरेक्ट क्यूबिक कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट क्यूबिक का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, तो x = 1/x6 क्या हो जाएगा मेरा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, और माइनस क्या हो जाएगा 3 × 1 हो जाएगा। बोलो ये सब पता है कि नहीं पता है, मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। यानी x6 = क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो x6 + 1/x6 का वैल्यू -2 आया, तो इसका मतलब अगर मैं x6 का वैल्यू अगर -1 पुट करूँ तो ये मेरा होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, -1 - 1 - 2 हो जा रहा। तो ये चीज़ यहाँ से निकल के आ गया, तो यही चीज़ तो आपको पता करना था ना, और तो कुछ पता करना था नहीं आपको। अब आप देख सकते हो ये, यानी मुझको पता चल गया कि x6 का वैल्यू -1 होगा। अब यहाँ पर देखो x² + 1/x² = 6 × 16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा × x हो जाएगा, इसी का वैल्यू पूछा था। अब आप जानते हो ये x6 का वैल्यू क्या है, -1 का पावर में क्या है, एक इवन नंबर है, यानी नंबर हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। अब यहाँ पर भी देखोगे तो क्या होगा 1। अब यानी फाइनली आपको वैल्यू किसका बताना है, यानी 1 का पावर में क्या है, इवन पावर है, यानी 1 हो जाएगा। यानी आपका क्या हो गया x + 1/x का वैल्यू बताना, क्योंकि इतना का वैल्यू क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। यानी घुमा फिरा के बस आपको वैल्यू कितना का बताना है, इतना का बताना, और इतना का वैल्यू तो इतना ही दे रखा था, यानी यही इसका घुमा फिरा के आंसर हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैच में विराट कोहली द्वारा बनाए गए रन 101, 126, 32, 38, 52 और 40 है, तो दिए गए रनों की मध्यिका ज्ञात करें। देखो मध्यिका पूछ रहा है तो अलग तरीके से पूछ रहा है क्वेश्चन में, एकदम घुमा के
मधिका ही बताना है, केवल बता दिया कि क्रिकेटर का नाम विराट कोहली, वो अलग इस तरीके से रन बनाया है, तो उसका मधिका बताना है। तो मधिका मतलब आपका मिडन निकालना है। मिडन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले उस डेटा का नंबर को हम लोग आरोही क्रम में अरेंज करते हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अरेंज कर लो, ये 32 रन बनाया, फिर 38 रन बनाया, ये 40 रन बनाया, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 52 रन बनाया, फिर 101 बनाया, और इन द लास्ट 126 रन बनाया। अब मधिका निकालना है आपको, मैंने बताया बीच वाला ही नंबर क्या होता है, मधिका कहलाता है। अब यहाँ से दो नंबर हटा दो, यहाँ से राइट साइड से दो नंबर हटा दो, ये बीच वाला नंबर, अब इसका मध्य निकाल लो। अगर नंबर एक ठो होता तो वही मेरा आंसर होता, मगर यहाँ पर दो ठो नंबर है तो दो नंबर तो नहीं होगा, यानी इसका मध्य मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 5 और 5 4 9, यानी क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, किसी टीवी की सूची कीमत 2300 रुपये है, उन पर बटा 25% और 10% का हो, तो विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। यानी दो ठो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, तो बताओ। तो अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आप इसको जैसा चाहो वैसा यहाँ पर भी बना सकते हो। आपको यहाँ पर दो ठो डिस्काउंट सक्सेसिव मिला है, तो आप चाहो तो एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल के डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो। 2300 है, पहला डिस्काउंट 25% का मिला है, यानी 3/4 का डिस्काउंट मिला है, सॉरी 1/4 का ना, 1/4 का डिस्काउंट मतलब वो सामान 3/4 में बिका होगा। 10% का डिस्काउंट मिला है मतलब वो सामान 90% बिका होगा। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको और कुछ करना है तो कर लो, तो 9 3 27, मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 9 3 27, 0 27 3 81, 81 मतलब 8, 9 27 2 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा, 54 और 8 62, यानी 6210। अब इसको 4 से भाग दे दो, देखो 4 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 2 और 1 यानी 5 चौके 20। अब देखो हम ऑप्शन का हेल्प लेते चलेंगे, चलो अभी और कुछ करना, 5 चौके 20 यानी 1 1 और 0 यानी 10, यानी 4 2 8 पॉइंट, यानी 155 2.5, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए मैं इतना कुछ सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, या फिर 25 से गुना करके आप 00 भी बैठा सकते थे, ये सब तरीका होता है कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, राम श्याम से 20% छोटा है, सॉरी राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष पूर्व उनकी 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 3 और 5 का अनुपात था, उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ क्या होगा। तो ये हो गया राम, ये हो गया श्याम, उनका आयु का अनुपात मुझको पता चल गया 3 और 5 का था, मगर ये 5 साल पहले का था, और राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। तो एज का कॉन्सेप्ट में आप जानते हो कि एज का डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता है, अगर आज आप मेरे से 2 साल का छोटे हो तो हमेशा मेरे से आप 2 साल का छोटे ही रहोगे। तो यानी आपको यहाँ पर डिफरेंस पता चल गया, 3 और 5 का रेशियो कितना डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 आपका 20 साल के बराबर, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो 5 और 3 8, 8 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा था, उनका वर्तमान का पूछा था, तो 80 आप टिक मत मार देना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा 5 वर्ष पूर्व का आयु आया है, तो 5 साल आगे बढ़ जाओ, तो दोनों का 5 5 साल और ऐड करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 90, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो कभी कभी आपको गलती कर देते हैं लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, अब मुझे आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट जो मेरा फिर से वीडियो आएगा, मतलब जो भी नेक्स्ट इस सीरीज का वीडियो आएगा, तो मैं इसमें आपको होमवर्क क्वेश्चन को लेके कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि मैं होमवर्क क्वेश्चन को भी करा दिया करूं, तो ठीक है, चलिए आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो मिसगाइड हो रहे हैं, मतलब समझो जो लोग आपका मतलब उल्टा सीधा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो अगर उल्टा सीधा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी लोगों तक अच्छी चीज़ पहुँचे। चलिए यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, सेशन पसंद आया तो मैंने बता दिया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।